गोल्ड ज्वेलरी की खरीदारी करते समय हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि वो शुद्ध है या नहीं। ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए सोने की शुद्धता की जांच परख करना सबसे मुश्किल भरा काम है। ज्वेलरी खरीदने वालों की चिंता को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने सोने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है। ज्वेलर्स अब बगैर हॉलमार्किंग वाली सोने की ज्वेलरी नहीं बेच पाएंगे। देश के 256 जिलों में हॉलमार्किंग के नियम को लागू कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगस्त 2021 तक ज्वेलर से किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं ली जाएगी। इसके अलावा 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार करने वाले ज्वेलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट भी दी जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि ज्वेलर्स को 1 सितंबर तक पुराने स्टॉक पर हॉलमार्क पाने के लिए समय दिया गया है और तब तक कोई माल जब्त नहीं किया जाएगा। हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाने के बाद अब देश में सिर्फ 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट की ज्वेलरी ही बिक सकेगी। आपको बता दें कि हॉलमार्किंग वो तरीका है जिससे सोने की शुद्धता प्रमाणित होती है। भारतीय स्टैंडर्ड्स को गोल्ड में मार्क करने को हॉलमार्किंग कहा जाता है। कैरेट के जरिए भारतीय स्टैंडर्ड्स को सोने के ऊपर अंकित किया जाता है। अभी तक बगैर हॉलमार्किंग की गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर अगर उसे बेचने जाते थे तो कम भाव मिलता था, क्योंकि आपके पास सोने की शुद्धता का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। इसलिए हो सकता है कि जब आप 22 कैरेट की ज्वेलरी को बेचने जाएं, तो आपकी ज्वेलरी 18 कैरेट की ही निकले। ऐसे में आपको मोटा नुकसान हो सकता है। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए हॉलमार्किंग जरूरी हो गया है। देश में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट देता है। सोने की हॉलमार्किंग के लिए अभी फिलहाल 3 ग्रेड तय हैं: 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट। हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी पर BIS का मुहर लगता है। इसके अलावा हॉलमार्किंग के वर्ष का भी जिक्र होता है। सोने की शुद्धता का कैरेट बताने के लिए सोने पर K लिखा होता है। 22K का मतलब 91.6% प्योरिटी यानी 916 गोल्ड, 24 कैरेट यानी 99.9% शुद्धता, 23 कैरेट में 95.8% शुद्धता और 22 कैरेट यानी 91.6% शुद्धता होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप बिजनेस से जुड़े किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि बिजनेस सेक्टर से जुड़ी ताज़ा खबरें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप तक पहुंच सकें।